नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है 1.5 मीटर्स एंड इट इज़ ब्रॉडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट शॉर्टर देन इट। अब लार्जर ब्रॉडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है कि डायमीटर जो है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के डायमीटर को अगर हम मेजर करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो डायमीटर है वो स्मॉल रहेंगी एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, पर ये जो है इससे शॉर्टर है। मतलब कि अगर लेंथ देखी जाए तो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा रहेगा और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा रहेगा, पर अगर डायमीटर की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा रहेगा एंड लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा रहेगा। अब जैसे कि हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो सबसे पहला आ रहा है सीकम। ये देखो, ये जो है हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन विल ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये जो फर्स्ट जो पोर्शन है उसे हम लोग बोलते हैं सीकम। सीकम में एक आउटग्रोथ दिखती है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारी बॉडी में वेस्टिजियल है। अब सीकम जो है एक ब्लाइंड सैक की तरह होता है, मोस्टली यहाँ पे कुछ भी ना डाइजेशन होता है ना मोस्टली अब्जॉर्प्शन होता है, पर जो एनिमल्स जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स, यहाँ पे मैक्सिमम उनका डाइजेशन होता है सेलुलोज वाला। तो सेलुलोजिक डाइजेशन जो है वो मोस्टली कहाँ पर होता है, सीकम में, पर हमारे केस में वैसा नहीं है, ह्यूमन बॉडी में वैसा नहीं है। तो सबसे पहला हुआ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम। दूसरा होता है कोलन। नाउ कोलन के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि नीचे से जो ऊपर जा रहा है वो हुआ असेंडिंग कोलन। अब हमारी बॉडी में वो ट्रांसवर्सली चल रहा है इसलिए ट्रांसवर्स कोलन। अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए डिसेंडिंग कोलन। अब कुछ भाग में वो इस तरीके का, मतलब ऐसा पूरा नीचे नहीं आ रहा है पर इस शेप का है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। तो कोलन के चार पार्ट्स हो गए। सबसे पहला है, मतलब अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देख रहे हैं तो सबसे पहला है सीकम, सेकंड है कोलन एंड थर्ड है रेक्टम। तो सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो सीकम ये हुआ ब्लाइंड सैक जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, कोलन के चार पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन। लास्ट है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम जो है एक डायलेटेड सा पार्ट है यहाँ पे, विच टेम्पररली स्टोर्स दी फीकल मैटर। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो यहाँ से पूरा जा रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ जा रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, अब बॉडी के बाहर करना है ना, तो रेक्टम जो है इसका काम है ये टेम्पररली क्या कर लेता है, चीज़ों को स्टोर कर लेता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उन्हें ये स्टोर कर लेता है। अब ये रेक्टम हो गया, अब रेक्टम से फूड आएगा यहाँ पे और कहाँ पे एनस के पास आ जाएंगे और एनस से आउट थ्रू दी बॉडी। अब एनस में भी यहाँ पे स्पिंक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीकम द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में भी एक जंक्शन है जिसे बोला जाता है इलियोसीकल जंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो एक जंक्शन है उसे बोला जाता है इलियोसीकल जंक्शन। अब ये पूरे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वगैरह हो गया, डियोडेनम तक आने तक पूरा का पूरा डाइजेशन हो गया है, तो इसका काम क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी मैक्सिमम वाटर ये एब्जॉर्ब करेगा एंड सम मिनरल फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी थोड़े बहुत मिनरल्स रहे होंगे ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेगा। यहाँ पे भी म्यूकस ग्लैंड्स होती है तो स्टूल्स में थोड़ा म्यूकस ही उसे बना देता है ताकि इट गेट्स इजियर टू पास।